तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ लेके आई हूँ गर्मा गर्म कचौड़ी। तो जल्दी से झटपट चाय बनाइए, एकदम खास्ता क्रिस्पी कचौड़ी बनकर तैयार है। चलिए बैठकर खाते हैं गर्मा गर्म कचौड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम खास्ता कुरकुरी चटपटी आलू की कचौड़ी की रेसिपी। तो देखिए बारिश हो रही है तो गर्मा गर्म कचौड़ी बन रहा है। तो देखिए मैंने भी कचौड़ी बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और जरूर बताइएगा मेरी कचौड़ी की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। तो देखिए मैं दिखा दूँ कितनी खास्ता बनी है, एकदम खास्ता कचौड़ी बनी है। देखिए चलिए फ्रेंड्स, बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो आज हम बनाएंगे एकदम खास्ता क्रिस्पी आलू की कचौड़ी। तो इसके लिए हमने आटा ले लिया, हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे तो हमने आटा ले लिया है। अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे एक चम्मच। इस तरह हम इसे क्रश कर लेंगे, क्रश करके हम डाल देंगे अजवाइन। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे एकदम खास्ता और क्रिस्पी कचौड़ी बनाने के लिए। तो हम आटा को अच्छी तरह से मैश मैश करके इसे मिला लेंगे सारी सामग्री को। तो हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि एकदम खास्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो। तो देखिए आटा अच्छी तरह से मिल चुकी है, एकदम इसे अच्छी तरह से मिलाना है पूरा इस तरह से, तब जाके आपकी कचौड़ी एकदम खास्ता बनेगी। तो अगर आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा से बना सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ आटा से ही बना रही हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह सख्त डोड़ एकदम तैयार कर देंगे, जैसे पूरी का आटा जिस तरह हम लगाते हैं उसी तरह एकदम सख्त डोड़ तैयार कर लेंगे। अगर आप आटा गीला सानेंगे तो आपकी कचौड़ी खास्ता नहीं बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा का डोर लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक के रख देंगे। तो चलिए अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आलू बॉईल करके ले लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए अब हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम गोटा धनिया को इसे कूट लिए हैं इसे डालेंगे। इससे इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी, इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तब हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी प्याज डाल देंगे, आप चाहे तो प्याज नहीं भी डाल सकते, ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी प्याज डाल दे रही हूँ। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा ही से भुना हुआ बादाम डाल देंगे, तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। तो हम सारे मसाले को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे, इससे एकदम चटपटा कचौड़ी बनेगी। तो देखिए हमने आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, तब हम इसमें आलू को डाल देंगे। तो आलू को हम अच्छी तरह से मसाला में मिला लेंगे। तब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे।
मिर्च अच्छी तरह से अब हम मिला लेंगे। अब हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे और ये कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे। तब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाला आलू बनकर तैयार है, तब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसे ठंडा होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आटा को हम फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आलू मसाला को हमने एक प्लेट में निकाल लिया, तो इसमें हरा मिर्चा डाल देंगे हम ऊपर से और इसे भी मिला लेंगे हम। अब हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसे अच्छी तरह से इस तरह गोल कर लेंगे हम। तब हम इससे हाथ से इस तरह कटोरा बना लेंगे। तो देखिए इसे बनाना बहुत ही आसान है। तब हम स्टफिंग को इस तरह भर लेंगे पूरा एक चम्मच। तब हम इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से बंद कर लेंगे। इस तरह से हम बंद कर लेंगे चारों तरफ से इसे। तो देखिए इस तरह से हम इसका मुंह बंद कर देंगे इस तरह से। हम इसे इस तरह थोड़ा दबा देंगे हल्का हल्का हाथों से। तो इसी तरह हम सारी कचौड़ी को बनाकर तैयार कर लेंगे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कचौड़ी भरकर तैयार कर लिया। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया एकदम मीडियम फ्लेम में। तो हम पहले इसमें थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे। तो देखिए तेल गरम हो चुकी है। अब हम इसमें कचौड़ी को डाल देंगे। हमका गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तब हम इसे हल्का लाल होने देंगे, तब हम इसे पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरह बेल का भी बना सकते हैं। इस तरह बेल लेंगे हम, ज्यादा नहीं बेलेंगे, हल्का मोटा ही बेल लेंगे और इस तरह से हम आलू भर लेंगे इसमें। तब हम इस तरह इसे बंद कर देंगे चारों तरफ से। तो देखिए कितनी आसानी तरह से बन चुकी है। तब हम इसे हल्का दबा देंगे इस तरह से। चौड़ी भी लाल हो चुकी है। अब हम इसे पलट पलट करके चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए एक साइड से पूरा लाल हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, कचौड़ी अब हमारी फ्राई हो चुकी है, दोनों तरफ से अच्छे से लाल हो चुकी है और इसमें हम हरी मिर्च भी डाल दी है नमक लगा के। इसे भी हम फ्राई कर ले रहे हैं। तब हम कचौड़ी को निकाल लेंगे। एकदम क्रिस्पी और खास्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। देखिए तो मिर्चा भी लाल हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेंगे।
इसी तरह आप सारी कचौड़ी को तल कर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एकदम खस्ता और कुरकुरा कचौड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मेरी कचौड़ी की रेसिपी आप सबको कैसे लगी। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।